कैसे उन्होंने अगम और पुरम के साथ किस तरह से उन्होंने अपने साहित्य को 5 भौगोलिक आधार पर बांटा, उनके जो साहित्य है ये चूंकि जो 5 भौगोलिक आधार पर बांटा ये इतिहासकारों ने बांटा और ये 8वीं सदी का एक हमें एक सोर्स आता है, उस सोर्स में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो जैसे कि कुरुंजी है, मलई है, पुले है, नेटल है, ये सारे क्षेत्र थे। अब हम संगमकालीन धर्म के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वहां का धर्म में इस समय एक आमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है, तो संगम का जो धर्म है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया। अब संगमकालीन जो धर्म है उसमें मुख्यतः हमें कुछ प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहली प्रवृत्ति तो ये दिखाई देती है कि जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण में चोल चेर पांडे के यहाँ प्रवेश कर रहा है। तो वैदिक पद्धतियां हमें दिखती हैं, वैदिक देवता दिखते हैं, वैदिक जो धर्मशास्त्र होते हैं वो धर्मशास्त्र में दिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे हमें मुख्यतः 3 जो है विशेष प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहला तो जो लोकल जो रिलीजन है, जो मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो वहां का जो लोकल रिलीजन है उनके धार्मिक अनुष्ठान उपासना की पद्धतियां होती है वो हमें दिखाई देता है। दूसरा जो हमें दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है वैदिक धर्म कि जैसे कि हम अगस्त ऋषि को देखते हैं, कौंडीय ऋषि को देखते हैं, तो जब ये दक्षिण भारत में जाते हैं तो ये वैदिक धर्म को लेके जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इतिहासकारों में एक मान्यता है कि जैसे वो मानती है कि श्री राम की जो दक्षिण भारत में उन्होंने प्रवेश किया, 14 वर्ष जो वन में गमन किया उन्होंने और जो श्रीलंका पे उन्होंने विजय प्राप्त की, तो इतिहासकार इसे मानते हैं कि वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ बाहरी पूजा पद्धतियां कर्मकांड भी दिखते हैं जैसे कि ग्रीक रोमन है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो वो भी हमें दिखते हैं। शिल्पादि कर्म वगैरह जैसे ग्रंथों से हमें जैन जो धर्म है उसकी भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इनके कुछ प्रमुख देवी देवता भी थे जैसे मुरुगन, मतलब कि जो सुब्रमण्यम देवता जो अपने यहाँ कार्तिकेय होते हैं वहां मुरुगन देवता विशेष रूप से लोकप्रिय थे जैसे कि शिव होते हैं। तो इस तरह इनके धर्म का डेवलपमेंट हुआ, ये धर्म में ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। धर्म के बाद हम इनका समाज देखते हैं। तो इनका जो समाज है इस समय वही जो मैंने आपको एक समाज का मॉडल बताया था पहली क्लास में कि आपको समाज देखना है तो आप किस क्रम में देखेंगे। कोई मुझे बताएगा कि अगर आपको वैदिक समाज के बारे में पढ़ना है या लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट्स में हम बोलेंगे? अगर हमें जैसे किसी भी काल का समाज देखना हुआ तो वो समाज का हमने एक आपको मॉडल दिया था, एक आपको प्रारूप दिया था जिससे कि लिखने में पढ़ने में आसानी हो, तो आप बताएंगे वो कौन कौन से पॉइंट मैंने आपको बताए थे? सर वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, रिलीजियस सिस्टम कैसा है, इन चीजों में बांट कर उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक तो इन्होंने ये बताया, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मानवी के विषय में आप कुछ भी लिखोगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन पहले समाज की इम्पोर्टेंट चीजें लिखो ना। समाज का एक अंग राजनीति होती है, राजनीति का एक समाज का एक अंग अर्थव्यवस्था होता है, एक अंग धर्म होता है, एक अंग संस्कृति होती है, तो ये समाज के कई सारे अंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन समाज की कुछ कोर बातें भी तो होती है, उन पूर्व बातों को तो आप बताइए, वो तो आपने बताया नहीं। अब जैसे हमने आपसे पूछा कि आप किसी भी क्षेत्र की पॉलिटिक्स देखते हो तो पॉलिटिक्स में क्या क्या देखते हो, तो आपने कहा कि पॉलिटिक्स में हम सोसाइटी देखेंगे, पॉलिटिक्स में हम अर्थव्यवस्था देखेंगे, पॉलिटिक्स में हम धर्म देखेंगे, पॉलिटिक्स में संस्कृति देखेंगे, तो इन चीजों की मूविंग होती है, लेकिन ये कोर फैक्ट नहीं है, ये प्रत्यक्ष बातें नहीं है, अप्रत्यक्ष बातें। थोड़ा सा जैसे कि आप राजनीति में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन कैसा है, राज्य कैसा है, जिला कैसा है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां कैसी है, चुनाव कैसे होता है, ठीक है, यही सारी चीजें देखती है ना, रक्षा कैसी है, न्याय कैसा है, राजस्व कैसा है, वहां डेमोक्रेसी है कि राजतंत्र है, तो यही चीजें तो देखते हो ना राजनीति में। तो ऐसे समाज में आप क्या देखोगे? हमने आपको बताया दो तीन बार, बात नहीं की थी लेकिन सर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समाज में जैसे कि रहन सहन, खान पान, उनके विवाह पद्धति, उनका जो अंत्येष्टि, और यही सब।
कला संस्कृति विदेशों से संबंध कैसे थे, उनके वाणिज्य व्यापार कैसे थे? वेरी गुड, कला संस्कृति नहीं बताइए। देखो कला संस्कृति व्यापार वाणिज्य तो क्या हुआ, ये तो आपका आर्ट एंड कल्चर में, कल्चर वाले पार्ट में आ गया ना, व्यापार वाणिज्य इकोनॉमी में आ गया। आप तुम्हें कोर सोसाइटी के एलिमेंट बताइए कि सोसाइटी अगर आप देखना चाहें आज इंडियन सोसाइटी को, तो उसमें क्या क्या देखेंगे? उसमें कला संस्कृति देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य देखेंगे? हम कह रहे समाज देखो, आप जो है सर एक चीज आपने अच्छा पॉइंट बताया कि वैदेशिक संबंध, विदेशों में भी व्यापार वाणिज्य के संबंध नहीं, लोगों के संबंध, समाज में लोगों के संबंध, और फिर जो उनके स्थापत्य, जो उनके अपने घर बनाने के तरीके, इस तरह से कैसे बना रहे हैं। तो आप संस्कृति में देखोगे ना स्थापत्य, तो समाज में क्यों इतना ज्यादा देख रहे हो आप? सर सर समाज में पढ़ने के लिए सर उसके जो वर्ग हैं सर, वर्गों के आधार पर भी समाज को एक्सीलेंट, या तो वर्ग देखो या वर्ण देखो। अब भारतीय समाज देखोगे तो भारतीय समाज वर्ग में विभाजित नहीं है, वर्ण में विभाजित है। क्लास में समझते हो ना, क्लास में और वर्ण में डिफरेंस क्या है? भारतीय समाज वर्ग में नहीं है, वर्ग होता है हायर, सुन लीजिए, वर्ग होता है हायर इनकम ग्रुप HIG MIG LIG, मिडिल इनकम ग्रुप लोअर इनकम ग्रुप। भारत का समाज ऐसा नहीं बटा है, भारत का समाज बटा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ ठीक है, आप समझे? और बताइए सर, महिलाओं की स्थिति देखेंगे? एक्सीलेंट, और महिलाओं की स्थिति देखो ना समाज में, समाज में सर, कोई व्यापार वाणिज्य देख रहा, कोई स्थापत्य देख रहा, कोई राजनीति देख रहा, कोई धर्म देख रहा। हाँ और क्या देखोगे सर? उनका व्यवसाय देखेंगे कि एग्रीकल्चर था या पशुपालन देखेंगे ना, वो तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे ना, अर्थव्यवस्था में पहले समाज की मुख्य बात है, तो समाज में देख लो, बाकी फिर देखते रहना। ऐसा नहीं कि आप गलत हो, मानवीय के विषय में कोई चीज गलत नहीं होती है, यही तो उसकी कला है। लेकिन आप पहले प्रत्यक्ष सही जगह हथौड़ा मारो ना, जहाँ लोहा गर्म है। अब आपको जिलाधिकारी बना दे रहे, आपको परिवहन की बात करनी, अरे भाई परिवहन की समस्या तो SDM साहब भी सॉल्व कर लेंगे, पुलिस भी सॉल्व कर देगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी सॉल्व कर देगा, लेकिन आप कहाँ ARTO के पास जाओगे ना परिवहन के लिए? तो आप बिल्कुल वहां चोट क्यों नहीं मार रहे जहाँ हथौड़ा गर्म हो? फिर ऐसे करोगे आप लोग प्रशासन में आके व्यापार वाणिज्य देखने लगे आप, कृषि व्यापार। और बताओ कोई सर, अगर मान लो समुदाय के हिसाब से भी देख लें, कम्युनिटी के हिसाब से, और जातिगत, बिल्कुल सही, जाति व्यवस्था देखेंगे, अलग अलग क्लासेस का स्टेटस, पीसेंट्स का और बाकी लोगों का, बिल्कुल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण देखेंगे, वो भी सही है। और क्या देखेंगे? अब ये बताओ, हम आपको दो तीन बार बता चुके हैं, आप लोग कुछ भी, बिल्कुल कई लोग तो उसके आसपास भी नहीं जा रहे हैं, सब एक एक दो दो पॉइंट बता पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? 2 महीने बाद पेपर है आप लोगों के, इंडिया के और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पेपर हैं 2 महीने। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, क्षमता तो बढ़ानी पड़ेगी, दिन रात एक करो, बिल्कुल जैसे खिलाड़ी करता है ना, खिलाड़ियों की स्टोरी समझ रहे होगे ना, ऐसी एस्पायरेंट की भी स्टोरी होती है जैसी खिलाड़ियों की स्टोरी होती है। देखो समाज में पहले ही हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, को पहले नंबर पे देखते हैं आज अनार्य संस्कृति, ठीक है, कि आज अनार्य संस्कृति माने जो हम बता रहे ना कि उत्तर भारत से आर्य धर्म कैसे दक्षिण भारत में गया, उसके पहले आप एक चीज और देख सकते हैं, देशी विदेशी संबंध, जो किसी ने बताए थे, किसी ने एक पॉइंट बताया था, अच्छा बताया था। सबसे पहले आप देखो कि जो विदेशी लोग हैं उनका देशी लोगों के साथ कैसा संबंध है। पिछले 2-3 साल में आप देखते हो कि आपके यहाँ ब्लैक्स के साथ मारपीट की घटनाएं हुई, दिल्ली में हुई, बैंगलोर में हुई, तो कैसा संबंध? भारतीयों के साथ कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में हिंसा की जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, तो आपके संबंध किस तरह के हैं? उसे जोड़ के लिखो कि हमारे देश में वसुदेव कुटुम्बकम की बात की गई, वही तो देशी विदेशी संबंध है। अनिच पर्वती गणना लघु चेत शाम तो दाचित नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम, तो देशी विदेशी संबंध कैसे बताओगे? आपकी चोल, चेर और पांड जो है वो ग्रीक के साथ, रोम के साथ, कडारम के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा इन जो दक्षिण भारत का जो संगम काल है उसके विदेशी संबंध कैसे थे, कोई बताएगा उसके 2-4 पॉइंट? कैसे हमें जानकारी मिलती है, कैसे संबंध थे, कोई बताएगा?
आप लोगों में से कोई बताएगा कैसे संबंध है, कोई जानकारी कहाँ से मिलती है संबंधों की? देखो जानकारी मिलती है प्लिनी की किताब से, नेचुरल हिस्ट्री से, स्ट्रैबो से जानकारी मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से जानकारी मिलती है। ठीक है, इन सब के नाम सुने आप लोगों ने? यस सर। जी सर सुने। तो ये क्या है कि ये स्काल के सोर्स हैं जो हमें जानकारी देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि दक्षिण भारत में कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, उनसे जानकारी मिलती है। जैसे एक रोम का शासक होता था ऑगस्टस, ऑगस्टस की मूर्ति मिली। रोम के सिक्के पूरे सुदूर दक्षिण में दक्कन में मिले, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो उनके सिक्कों से पता चलता है कि ट्रेड होता था। ठीक है, और कुछ हमें कांच की सुराही मिली, पता लगता है कि शायद शराब वगैरह पीते होंगे कांच के और इसके मिट्टी के, तो शराब वगैरह आती होगी। ठीक है, इन सब चीजों से हमें, और साहित्यों से जानकारी मिली। जैसे कि आप देखोगे कि जो पेरिप्लस है, तो पेरिप्लस आप देखोगे कि उसने पूरे बंदरगाहों की एक लिस्ट दी कि कैसे कहाँ चिदम्बरम था, कहाँ पे मुजरिस था, कहाँ पे बारबेरिकम था, हाँ कहाँ पे कौन से जो भी बंदरगाह थे उस समय के, उन सब के बारे में जानकारी उसने दे रखी है। तो वो हमें जानकारी देसी बिरी संबंधी। उसके बाद उनमें संघर्ष और सहयोग भी होता था। उसके बाद हम देखते हैं आर एन आर संस्कृति, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं आर एन आर संस्कृति। जैसे आप देखते हो कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय की, तो इतिहासकार अगर उसे सामाजिक रूप में देखता है तो वो कहता है आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, मतलब कर्म कांडों को, संस्कृत भाषा को, ज्योतिष के ज्ञान को, पितृसत्तात्मक समाज को, इन सब चीजों को आगे बढ़ाया। तो इसी समय जब आप देखोगे उत्तर भारत में अगस्त ऋषि, कौंडे ऋषि जा रहे हैं, वैदिक धर्म का प्रचलन बढ़ रहा है, श्लोक हो रहे हैं, संस्कृत भाषा हो रही है, उसका मतलब क्या है कि आर्य संस्कृति का अनार्य संस्कृति के साथ मिलन। ठीक है, मतलब आप इसे आर्य और गैर आर्य संस्कृति का मिलन हो रहा है। ठीक है, पहले संघर्ष होता है, फिर समायोजन होता है, फिर शांतिपूर्ण से अस्तित्व के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आप बताइए, भारतीय समाज में एक प्रोमिनेंट है वर्ण व्यवस्था। तो आप वर्ण व्यवस्था की जब बात करेंगे तो उत्तर भारत में आप हायरार्की देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह की हायरार्की। दक्षिण भारत का समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा हुआ है। ब्राह्मण और ब्राह्मण में बटे होने के साथ यहाँ पे आपको चार प्रकार के वर्ण दिखते हैं। एक तो आपको वर्ण दिखेगा शासकों का, ठीक है, अंसा जिसे बोलते हैं। शासकों के साथ एक आपको वर्ग दिखाई देगा जो शासक हो गए, तो शासक आपको लगभग पहले नंबर पे दिखाई देंगे। दूसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा ब्राह्मणों का वर्ण, लेकिन इतना ज्यादा जटिल नहीं है जितना ज्यादा उत्तर भारत के समय। तीसरे स्थान पर आपको दिखाई देंगे बैनीगर। बैनीगर जो है वो बैनीगर जो है ये बड़ेकों के समान है, जैसे कि जो अपने बेस्ट होता था ना, तो ऐसे बैनीगर व्यापारियों के समान, बड़ेकों के समान है। एक आपको दिखाई देगा बिल्लाल। तो बिल्लाल दो तरह का वर्ग है, एक तो ऐसा वर्ग है जिसके पास अपना लैंड है, जमीन है, और एक जो बिना भूमि का है। ठीक, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब जब आप वर्ण व्यवस्था में देखोगे कि उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया, कोई मुझे बताएगा? कोई सोशियोलॉजी का आप लोगों में से ऑप्शनल हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कि भारत में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सी चीज सबसे प्रोमिनेंट थी? भाई वर्ण व्यवस्था तो टूट जाएगी ना, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ तो करोगे ना। जैसे कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं करोगे तो उसके लिए सीआरपीसी आईपीसी की धारा है, तो ऐसे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था? सर उनके कार्यों का निर्धारण किया गया था, ब्राह्मण लोग। ठीक है, वेरी गुड। कार्यों का निर्धारण किया गया, कार्य नहीं किए आपने, अपने निर्धारित कार्य नहीं किए। सर आर्यों के टाइम में था, काम के अनुसार उनको उस वर्ण में रखा जाता था, जैसे एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों लोग रह सकते थे, वो कार्यों के आधार पर किया जाता था।
ठीक है, नहीं अगर जैसे व्यवस्था तोड़ दिया और काम नहीं किया तो, और काम नहीं किया और साथ में पता चला कि चलो हमने दूसरे वर्ण में शादी कर ली, तो किसी ब्राह्मण ने, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ने दूसरे वर्ण में शादी कर ली, वर्ण व्यवस्था टूट गई, वर्ण में खाना पीना भी है, वर्ण में रोटी बेटी के संबंध भी है, विवाह का संबंध भी है, चलो विवाह कर लिया, फिर बताएगा आप लोगों में से? एक कॉन्सेप्ट होता था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इस तरह होता था कि जैसे कि किसी क्षत्रिय ने, किसी शूद्र, क्षत्रिय पुरुष ने शूद्र के साथ शादी कर ली, शूद्र महिला के साथ, तो क्या होता था उसका जो विवाह था, विवाह की 8 प्रकार की पद्धतियां थी भारत में, तो वो विवाह भी गलत माना जाता था, साथ ही साथ नए वर्ण की उत्पत्ति मान ली जाती थी। जैसे शूद्र पुरुष ने ब्राह्मण महिला से कर लिया तो पुत्र क्या होगा? चंडाल। तो ये प्योरिटी और पोल्यूशन के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा गया। अब आपसे एक बात और पूछते हैं, जाति व्यवस्था कैसे मेंटेन हुई? जाति व्यवस्था कैसे मेंटेन हुई? जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था थी? आप लोगों को पता है, जानते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का जो स्मार्टनेस में कमी आ रही है, स्मार्टनेस में कमी आ रही है। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, ये जो मतलब सर आप बताते हैं ना सर, जैसे आपने नेट पे हिस्ट्री बताई थी पढ़ने की, सर ये बुक है सारी, हमने पढ़ी भी, इनके बारे में पता भी, लेकिन सर हम करेक्ट टाइम पे नहीं पूछ पाते सर, इसका क्या रीजन है सर? आप जो बताए सर, पढ़ा तो है, अच्छे से पढ़ा है मतलब, लेकिन सर बोल नहीं पाते हैं करेक्ट टाइम पे, इसका रीजन क्या है सर? हाँ, ये आपने बिल्कुल मूल प्रश्न पकड़ा। देखो, स्मार्ट गेम है। अगर आप लोग, आपका नाम क्या है? अजय नाम है मेरा। अजय कहाँ से है? आपका एकेडमिक क्या है? सर मैं संबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और सर वर्तमान में बी ए कॉलेज से, और सर मैंने बी ए किया था। इनकी बात आज के युग का प्रश्न है, इनकी बात आज के युग का प्रश्न है कि सर कैसे किया जाए। देखिए अजय जी, इतने लोग हैं कुर्सी तोड़ने वाले सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में लाखों अभ्यर्थी हिंदुस्तान का लगा है, तो करोड़ों भी लगा हो, 1-2 करोड़ के ऊपर, सब आपसे ज्यादा कुर्सी तोड़ने तैयार है, हम लोगों से ज्यादा मेहनत करने तैयार है। निकल कौन जाता है? जो उसके साथ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर लेता है। आजकल इंफोडेमिक चला है, एक वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे, कि है क्या कि सूचनाएं बहुत ज्यादा है, सूचनाओं की कमी नहीं है, लेकिन आप उन्हें स्मार्ट तरीके से कैसे यूज कर लेते हैं? आजकल स्मार्टनेस का गेम है, स्मार्ट बनिए। तो स्मार्ट बनिए, आप पता चला जैसे कि आपने प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रैबो की आपने बुक पढ़ी, पेरिप्लस ऑफ द सी पढ़ी, आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये तो हमारे लिए दोगुना हानिकारक है ना। कि आपने कहीं निवेश भी किया, माने अपने, आपने टीवी देखने के समय आपने अपनी पढ़ाई की, सारी चीजें छोड़ के आपने मेहनत भी की, खाना छोड़ा, और जब उसके यूज करने का टाइम आया तो आप यूज नहीं कर पाए, ये तो निवेश आपका जोखिम में चला गया, डबल लॉस हो गया, ऐसे पढ़ते ही नहीं। वो काफी टीचर से हमने बताया, प्रोफेसर ने बताया भी, पढ़ा भी है, लेकिन सर मुझे आपने अंदर सारी यही लगी थी कि जब क्वेश्चन करते हैं सर एग्जिट, मतलब एज ए टाइम मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ आपके सामने, तो थोड़ा सा इस अंदर से मुझे वो लग रहा है। तो ये मैं भी समझता हूँ, ये स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। देखो, जो बच्चे नहीं पढ़े वो ज्यादा अच्छे हैं कि चलो पढ़े ही नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़े और वो बच्चे यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो बड़ा दुखद होता है कि बच्चा मेहनत भी कर रहा है और आउटकम भी नहीं आ पा रहा है। तो इसके आउटकम के हम आपको कुछ रास्ते बता रहे हैं, वो करिएगा। देखो, आपका मन करे चाहे ना करे, ये प्री कंडीशन है और ये मजबूरी है, आप मेडिटेशन करिए सब लोग, ठीक है? आप जितनी आपकी एज है, किसी की 25 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 20 होगी, उससे आधा समय सुबह और उससे आधा ही समय, मतलब से कोई 25 साल का है तो वो 12.5 मिनट सुबह, 12.5 मिनट शाम को मेडिटेशन करें, पहली बार।
दूसरी बात अपने दिमाग को एक्टिव रखें, खेल कूद में, मिलने जुलने में, सकारात्मकता में अपने समय दें, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। कई लोग लंबे समय से एक ही जगह पढ़ रहे होंगे, जमे होंगे, तो वो थोड़ा स्थिरता को त्याग है, गति लाए अपने जीवन, चलना फिरना, घूमना, लोगों से मिलना, पढ़ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सब चीजें करो तो जो तुरपन्मति बोलते हैं, ऐसे आप लोग बनवर्ड भी पढ़ते होंगे, कि तुरंत उत्तर देने की क्षमता वो डेवलप होगी, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है आज के दौर में। आज के दौर में केवल कठोर परिश्रम से, सूचनाएं प्राप्त करने से, ज्ञान इकट्ठा कर लेने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, आपकी एक्टिवनेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि जो वर्ण, मूल अपने टॉपिक पे आते हैं, इससे अंतर नहीं होते, हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था कैसे उत्तर भारत में थी, कैसे दक्षिण भारत में थी, उसे बनाए रखने के लिए किस तरह से प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, आठ प्रकार की विवाह की व्यवस्था हुई, अंत्यज जाया, उसके नीचे और सारी जातियां आई, ठीक है, जो हाशिए पर थी, पिछड़ी और कमजोर। अब हम ये देखते हैं इन सब के साथ ही कि जब ये सब हो गया तो जाति व्यवस्था की बात चल रही थी कि जाति जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए क्या प्रथा अपनाई गई, एक भारत में प्रथा अपनाई गई है, और किसी भी समय आप देखना कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए इंडियन सोसाइटी में, एक व्यवस्था को, एक प्रथा को अपनाया गया जिससे जाति व्यवस्था चलती रही, और आज वो ही टूटी है जिस पर अभी भी वो अस्तित्वमान है, चलती है हम लोगों के जीवन में, लेकिन वो कमजोर होती जा रही है, तो जाति व्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है। कोई बताएगा? कोई बताएगा इनमें से? जजमानी प्रथा का आपने नाम सुना? जी सर। बस जजमानी प्रथा जो है जिसमें जजमान होते हैं और कमीन होते हैं, वो जो प्रथा है उसने ही जाति व्यवस्था को बनाए रखा, जिस तरह वर्ण व्यवस्था को उसने बनाए रखा। तो हम जब दक्षिण भारत के समाज में जाके देखते हैं तो हमने वर्ण व्यवस्था देखी उतनी जटिल नहीं, जाति व्यवस्था भी हमें इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन कुछ जातियां हमें दिखती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि जाति में जो है एक व्यवसाय विशेष होता है, अभी इतनी ज्यादा इकोनॉमी चल नहीं रही है, चीजें हो नहीं रही है, लेकिन आगे जाके जातियां वहां भी निकल आएगी, ठीक है, जाति व्यवस्था। अब हमने जाति व्यवस्था में क्या है कि आपको इसके आगे जब उत्तर लिखना है तो इन चारों वर्णों के बारे में लिखो, तो चारों वर्णों के बारे में तो हमें जो एक्सप्लेन करना था हमने कर दिया कि वहाँ पे जो राजा होते थे, प्रमुख होते थे, ब्राह्मण को संरक्षण देते थे वो, उसके बाद हमने आपको बैनीगर के बारे में बता दिया, तो बैनीगर के बाद किस तरह से वो लकड़ी का, मोती का, मलमल का और कुछ धातुओं का है, कुछ वस्तुओं का, सुराही का किस तरह से व्यापार वाणिज्य करते थे, तो वो गए बैनीगर हो गए वो। उसके बाद हमने बिल्लाल आपको बताया कि जो बिल्लाल होते थे कैसे, जो कुछ भूमि रखते थे, कुछ भूमि नहीं रखते थे, तो इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक विषमता बहुत ज्यादा हमें दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके जाति व्यवस्था में ज्यादा नहीं दिखाई देती है महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो महिलाओं की स्थिति हम देखते हैं कि सामान्यतः उत्तर भारत से अच्छी है, और उत्तर भारत में चूंकि आर्य संस्कृति ज्यादा थी और यहाँ पे आर्य संस्कृति कम है, तो आप लोग ये भी समझते होंगे कि क्यों थी, इस क्यों के हम आंसर आपको कई बार दे चुके हैं। अच्छा, ये बात बताइए, दक्षिण भारत के समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर क्यों है, उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिवली उतनी बेहतर नहीं, कौन हमें इसका उत्तर देगा? क्यों हमें, कौन हमें इसका उत्तर देगा? कोई बताएगा कि दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति मौर्य उत्तर काल में, संगम काल में ठीक दिखती है, जबकि उत्तर भारत में नहीं दिखती है, कोई बताएगा? सर, उत्तर भारत में बाह्य आक्रमण से ही ज्यादा होती है, उससे क्या हुआ, महिलाओं का निकलना थोड़ा सा वो हुआ, ठीक है, और जी सर, क्योंकि महिलाओं को की जो इज्जत है वो समाज से जोड़ के देखी जाती है, तो उस वजह से उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन कम, ठीक है, और कोई बताएगा? अच्छा, एक बात बताओ, महिलाओं की स्थिति आपको ऊंचे वर्ण में ऊंचे जातियों में अच्छी दिखती है या नीचे वर्णों में नीचे जातियों में अच्छी दिखती है? नीचे जातियों में ज्यादा दिखती है।
महिलाओं की स्थिति खराब दिखती है निजी जातियों में। ये तो आप लोग देखते ही होंगे ना समाज अपने घर बगल में, अपने बगल में नहीं देखते क्या? सर जैसा हमारा मानना है कि स्थिति महिलाओं के भले थोड़ा सही नहीं होती है छोटी जातियों में, लेकिन समानता हमको ज्यादा दिखती है, बल्कि कुछ जातियों में ज्यादा भेदभाव देखने मिलता है। सर निजी जातियों का आकलन, सर निजी जातियों में जो महिलाएं हैं वो लोग आर्थिक जो अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी होती है, जैसे काम करना बाहर निकल के, और उच्च परिवार में ये सब नहीं होता है, तो वहाँ पे औरतों की कोई अपनी राय नहीं होती है, और निम्न जाति में औरतों की राय भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, इसलिए वो वहाँ सशक्त होती है। सर ये परिहार जी आपका क्या कहना है कि महिलाओं की स्थिति उच्च जातियों में वर्णों में अच्छी है कि निम्न जाति वर्णों में बेहतर? सर मेरा मानना है कि सर जो निम्न वर्ग में जो महिलाओं की स्थिति है, और सर वो जैसे कि वो इन्होंने बताया कि जो सर उनका जो जो काम करने हैं और आर्थिक स्थिति में इन्वॉल्व रहती है, इस वजह से सर उनकी स्थिति स्वतंत्र रहती है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू हाई उच्च वर्ग। तो सर मेरा तो यही मानना है सर। ठीक सर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मतलब बहुत सी जैसे राज्य जैसे मेघालय त्रिपुरा है, इनमें महिलाओं की स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर महासत्तात्मक समाज जा रहा है, यहाँ पर मतलब महिलाएं पुरुषों से ऊपर लेकर मतलब भाग लेती है, मतलब मुखिया एक तरह से मुखिया होती है परिवार की। और कुछ जगह पर नॉर्थ ईस्ट में जैसे दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज में पुरुषों से धन लिया जाता है उल्टा, तो वहाँ पर कुछ अच्छी व्यवस्था है, तो ज्यादातर ट्राइबल्स लोग ही है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, तो ये मेरा कहना है इस मामले में। बिल्कुल, मतलब आप लोग सहमत हैं, बिल्कुल सही है। देखो एक ऐसे अभी हाल में भी कुछ ऐसे सर्वे आए कि उच्च जातियों में होता क्या है, उच्च जाति वर्णों में, कि जो हमने बताया ना प्योरिटी और पोल्यूशन को ज्यादा महत्व दिया गया। जैसे आप देखोगे कि अगर एक अनुलोम विवाह की पद्धति होती है, एक प्रतिलोम विवाह की पद्धति होती है, अगर उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की महिला से शादी करेगा तो उसकी संतान की सामाजिक स्थिति फिर भी ठीक होगी, पहला होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से शादी करेगी तो उसकी संतान शूद्र होगी, उसकी सामाजिक स्थिति और दयनीय होगी। ये अंतर आपने प्योरिटी एंड पोल्यूशन का देख। दूसरा किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आर्थिक सक्षमता, जैसे आप देखोगे कि अगर आप गौर से देखा करिए अपने समाज को कि निम्न वर्ग की जो महिला है, निम्न जाति की निम्न वर्ण की जो महिला है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है। जब पैसे आ जाता है तो व्यक्ति निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हो जाता है, उनके निर्णय में भागीदारी चलती है उच्च वर्ण की महिलाओं की तुलना, ठीक है। तो ये सारे रीजन है, तो महिलाओं की स्थिति दक्षिण भारत में देखेंगे तो अच्छी है, लेकिन सती महिलाओं की स्थिति खराब है, बाकी महिलाएं धार्मिक कार्यों में व्यापार वाणिज्य में भाग लेती है। उसके बाद हम देखते हैं दास, बताइए चेतन जी। सर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कोरोना के जैसे सर 100 वर्ष पीछे चली गई है महिला। अब तो ये तो अब आप लोगों का बड़ा सब्जेक्टिव है किस तरह से रिपोर्ट बनाई गई, क्या उसमें इंडेक्स लिए गए, लेकिन मुझे कुछ पॉजिटिव भी दिखते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो वर्क फ्रॉम होना जो है महिलाओं के लिए तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि एक महिला को अगर समझो कोई छोटी जगह की महिला है, कोई संभल की महिला है, मुंबई जाके जॉब करना उसके लिए बहुत टफ है, रात में निकल के उसके लिए जॉब करना बहुत टफ है, इवन संभल में ही उसे रात में जॉब करना टफ है, इवन मतलब कहीं बाहर जाके भी वो काम नहीं कर सकती है, कि अगर कुछ प्रेगनेंसी है उसकी या कुछ है तो वो काम नहीं कर सकती है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो 24/7 कहीं से भी कहीं कर सकती है। तो क्यों? क्योंकि जहां भी शारीरिक श्रम की बात होगी महिलाएं स्वतः पीछे हो जाएंगी, लेकिन जहां मेंटली बात होगी तो वो तो अब व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे कोविड से महिलाएं 100 वर्ष पीछे चली गई है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी, मुझे तो ये लगता है कि पॉजिटिव भी काफी अच्छे निकल के आए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि
आंसर राइटिंग में जैसे वर्तमान समय की जैसे जो रिपोर्ट आते हैं, जैसे भी भाई बोले कि 100 वर्ष महिलाएं पीछे चली गई, अगर इन सबको मेंशन करना हो तो कई बार होता है कि नाम नहीं याद होता है कि कौन सी रिपोर्ट आई है, तो क्या ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं? तो आप मतलब हाल में प्रकाशित WHO ILO की जैसे आपको इंस्टीट्यूशन तो लगभग याद होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो सितंबर माह में 2021 में, तो आप जितना सब्जेक्टिव होते जाओगे ना, तो जितना आप सब्जेक्टिव होते जाएंगे ना उतना आपका आंसर बेहतर होता जाएगा। इवन आप मंथ लिख दो, ईयर लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, अगर आपको रिपोर्ट का नाम नहीं याद आ रहा, और रिपोर्ट का नाम याद आ रहा तो आपका आधा नंबर बढ़ जाएगा, और आधे नंबर में अगर आपका 40 नंबर बढ़ गया, 80 से 40 हो गया, तो फिर आप 80 नंबर हो मिल गया आपको तो आप SDM हो जाएंगे, 40 हो गया तो नायब तहसीलदार हो जाएंगे, और भी 40 कम कर लिया तो बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से कि आधे आधे नंबर का भी डिफरेंस ऐसे पड़ जाता है। अब हमने हाँ बताइए पर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें दक्षिण भारत में सभी पीड़िता क्यों नहीं दिखाई देती, जहाँ तक उत्तर भारत में इसका ज्यादा प्रचलित। तो इनका बड़ा अच्छा उत्तर है कि जो हमें है दक्षिण भारत में सती प्रथा क्यों नहीं दिखाई देती। अब जैसे कि ये एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, तो अब ये उत्तर भारत में प्रचलन में नहीं आ पाया उतना, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि सती प्रथा जो है उसमें ये माना गया कि पति आपका परमेश्वर है, ठीक है। पति जब आपका परमेश्वर है तो अब चूंकि परमेश्वर चला गया, अब परमेश्वर चला गया तो उसका और चूंकि महिलाओं को किससे जोड़ा गया है, महिलाओं को परिवार की गरिमा से सम्मान से भी जोड़ा गया है, तो एक प्रश्न हुआ कि महिलाओं की नैतिकता में कोई क्वेश्चन मार्क ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एथिकल डायमेंशन भी था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो परिवार की इज्जत या गरिमा किसी तरह से खंडित हो। और फिर एक बात और भी थी कि जो महिलाएं प्राचीन काल में थी वो पूरी तरह पुरुषों पर ही आश्रित थी, तो अब जब पुरुषों पर वो आश्रित है, उनका पति जो परमेश्वर है उस पर आश्रित है, उसकी मौत हो गई तो वो कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे उनका रहन सहन होगा। तो चलो भाई, जो पहला हमारा जो हमने आपको बात बताई कि भाई वो सब घर परिवार की इज्जत उनसे जोड़ के देखी जाती थी, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, होता था कि आप उसके बाल जो है बाल उसे आप बेल्ट कर दो, सफेद साड़ी के लिए बोल दो, सादा खाने के लिए बोल दो, तो जो परिवार की नैतिकता इससे सुरक्षित की जा सकती थी प्रतिसत्तात्मक समाज। लेकिन उसकी जो डिपेंडेंसी है, उसकी जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है, कैसे है? तो उसके लिए क्या किया कि सती प्रथा को वो कर दिया गया। आप बड़ा अच्छा, आपको एक अच्छा एक आपको उदाहरण बताएं कि जो है सती प्रथा खत्म कर दी गई 1829 के लगभग 29, 30, 31, 33 में सती प्रथा खत्म की, तो विधवाओं की बाढ़ आ गई भारत में। सती प्रथा खत्म करके महिला कहाँ जाएगी, विधवाएं बहुत सारी हो गई। तब 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि पुरुष बहुविवाह के पुरुष पुनर्विवाह तो हो जाते हैं लेकिन महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं हो पाता, ठीक। तो उत्तर भारत में क्या है कि आप इसे ऐसे भी जोड़ के देखिए कि उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति खराब थी तो उन्हें सती भी कर दिया गया, दक्षिण भारत में उनके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल थे। जैसे कि सती प्रथा को रोकने के लिए एक नियोग प्रथा थी, जैसे अपने देवर से शादी कर लो लेकिन देवर भी मैरिड है, तो उन सब चीजें क्या है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा वो नहीं थी, ठीक है। तो आपको 3-4 डायमेंशन मिल गए जो आप लिख सकते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे या मीन्स में पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब महिलाओं की स्थिति के बाद आप देखो दास की स्थिति देखो दक्षिण भारत में, तो दास प्रथा हो गई, स्लेवरी सिस्टम हो गया। उसके बाद विवाह के भी कई सारे प्रकार हैं, विवाह के बाद शिक्षा के बारे में लिखो कि शिक्षा वगैरह कैसे दी जाती थी, तो बहुत ज्यादा हमारे पास इसकी जानकारी नहीं। उनके बाद उनकी लाइफ स्टाइल में क्या उनके हेल्थ की स्थिति थी, कैसा उनका रहन सहन था, किस तरह का उनका पहनावा होता था, कैसे खान पान होता था, ये सब बता दो। ये सब प्रोमिनेंट चीजें होती हैं सोसाइटी। अब हमने आपको इसमें कोई धर्म नहीं बताई, राजनीति नहीं बताई, हाँ बाद में लगे तो कुछ जोड़ दो,
लेकिन प्रोमिनेंट चीजें यही होती चाहिए। दक्षिण भारत का हम लोगों ने समाज समझ लिया, अब हम लोगों ने धर्म भी समझ लिया, आ रहे हैं। तो हम लोगों ने वो देखा। आप दक्षिण भारत की हम लोग थोड़ी राजनीति देखते हैं। देखो राजनीति में इस वजह से थोड़ा सा इतिहास का आप एक ट्रेंड देखिए कैसे बदल रहा है। पहले आप देखते होंगे तो क्वेश्चन राजनीति से बहुत आते थे, अब राजनीति से कम आ रहे हैं, समाज अर्थव्यवस्था संस्कृति जैसे आयामों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो जब हम दक्षिण भारत की राजनीति की बात करते हैं तो वहां पे हमें तीन जो है प्रमुख वंश देखते हैं, चोल चेर पांड्य, और अशोक ने भी इनका उल्लेख किया है, तो मतलब ये मौर्य काल में भी होंगे तब तो उल्लेख किया है, और अशोक भी सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंचा था, तो मतलब ये तब अच्छे से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुल संघ तरह के थे, जैसे कि आप देखोगे कि अर्थशास्त्र में भी इनका कुछ वर्णन आया कुल संघ, माने एक संघ है ये, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पावरफुल जो है आपको किंग दिखेगा, वो यहाँ आपको नहीं दिखेगा। कुल संघ के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेट के बारे में देखेंगे कि चूंकि राजा मजबूत नहीं है तो राजतंत्र की देवी उत्पत्ति हमें कहीं कहीं दिखती है, राजतंत्र की देवी उत्पत्ति से राज्य थोड़ा मजबूत होता है। राज्य अपने आप को मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों को संरक्षण दे तो उससे भी उनकी वो बात बनती है। उसके बाद क्या है कि कई तरह की इनकी व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि मंडलम भी होते हैं, नाडू भी होते हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं, बहुत ज्यादा हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इनकी न्याय सैन्य राजस्व व्यवस्था भी है, ठीक है, तो वो सारे डायमेंशन इनकी राजनीति। अब हम चलते हैं कि संगम काल में जो हम तीन नाम सुनते हैं, चोल चेर पांड, कोई बता सकता है कि इसमें सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, सबसे प्राचीन वंश कौन सा है इनमें से? सर पांड्य। कोई और? चेरवंशी होगा सर, चोलवंशी है, चोल यस चेर की पांड, चेरवंशी सर, चेरवंशी। तो पहले तो सोनू जी और संजीव जी ने सही बताया चेर, निकिता जी ने अपना आंसर चेंज कर लिया पांड से चेर, चेरवंशी। हाँ तो चेरवंशी, चेर वंश आप देखेंगे तो चेर वंश की जो राजधानी वो है चेर जो है, ये केरल का क्षेत्र है, इनकी बंजी या करूर राजधानी है, धनुष इनका प्रतीक है, और उसके बाद मुजरेस इनका प्रोमिनेंट बंदरगाह था। हाल ही में केरल ने मुजरेस परियोजना करके स्टार्ट की, माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने उसे प्रारंभ किया। उसके बाद चेर के बाद हम देखते हैं कि चोल और पांड्य, चोल जो थे वो उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र में थे, ठीक है, चोल जो थे बाघ जो होता है बाघ जो है इनका प्रतीक था, राज के प्रतीक था। इनके यहाँ एक बहुत अच्छा राजा होता था सेनगोटन, ठीक है, जैसे इनके राजा होते थे। और उसके बाद दक्षिण के क्षेत्र में जाएंगे तो पांड हमें दिखता है, ठीक है, पांडवों की राजधानी मदुरई थी, मछली इनका निशान था, तो ये हमें राज्य दिखते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते नहीं, ठीक है। अब इनका समाज हो गया, इनकी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, तो अर्थव्यवस्था को हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा संगमकालीन अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आना चाहिए। अब अर्थव्यवस्था सबसे पहले हम देखेंगे इनकी जानकारी के सोर्स क्या है,
संगमकालीन अर्थव्यवस्था के जानकारी के सोर्स में जिससे पूछूंगा वो बताइएगा। पूनम पाठक आप बताइए कि संगम काल की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है। सर मुझे मालूम नहीं। पहली दूसरी तीसरी क्लास में तो थे आप? जी सर। तो आपको मैंने बताया था उस समय तो विकास शर्मा विकास शर्मा जी सर। सर मुझे नहीं मालूम। पहली दूसरी क्लास में थे आप? यस सर। सर याद नहीं आ रहा। कुबेर तिवारी जी सर। सॉरी सर याद नहीं आ रहा सर। पूनम पाठक सॉरी आपका हो गया। पूनम त्रिपाठी सर इन्होंने जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किताबें लिखी थी उसमें एक कृषि पर भी लिखी गई थी। हमारा ये कहना है कि संगम काल की जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी के आपके पास क्या स्रोत है, क्या सोर्सेज है? सोर्सेस टू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ संगम एज। सर नीथल और मरुदम जो बुक थी शायद उसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ था। कुछ भी बोल देते हैं आप लोग, दक्षिण भारत के नाम है तो कहीं से भी कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। सर यूनानी और रोमन दस्तावेज। हाँ बहुत बढ़िया। ये कौन बोला? जी सर मैं कुबेर तिवारी। अच्छा हाँ और बहुत बढ़िया बोले आप। और सर एक बुक है मेगास्थनीज उसमें इसका वर्णन दिया गया है। मेगास्थनीज की तो इंडिका है। नहीं सर मैं बुक का नाम बता रहा हूँ। कौन सी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो कोई बुक नहीं है। मेगास्थनीज तो एक राइटर का नाम था जिनकी बुक है। सर सर इनका सर दो बुक मिलता है सर तुर्काप्यम और सर शिल्पाधिकारम में और सर एक और है सर सर आपने बताया तो था परसों सर चिंतामणि सर महाकाव्य सर और शामिल है ये शिल्पाधिकारम। बिल्कुल सही है। थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है लेकिन हम जैसे बोले आपसे हमने पहली क्लास में आपको ये बताया था कि किसी भी काल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दो तरह से हमें मिलती है, एक साहित्यिक स्रोत एक पुरातात्विक स्रोत। नहीं बताया था आपको? यस सर आपने बताया। हाँ तो अब आपके पास पुरातात्विक सोर्स कौन कौन से है जानकारी के? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख है सर। कलिंग के खारवेल के हाथी कुम्मा। नहीं नहीं लेकिन इनसे चोल चेर पांड्य जो संगम काल है उसकी जानकारी के जैसे बिल्कुल अशोक के भी लेके खारवेल के भी लेके लेकिन व्यापार की जानकारी कहाँ मिल रही है, अर्थव्यवस्था की जानकारी कहाँ मिल रही है? सर एक अरेका मेडू जगह है जहाँ से रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी। एक्सीलेंट। अरेक मेडू से जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए। रोमन सिक्के कई जगह से प्राप्त हुए। गुजरेस है, अरेक मेडू है, नासिक से प्राप्त हुए हैं। और सिक्के बता दिए आपने बिल्कुल, यहाँ के सिक्के वहां मिले, वहां के सिक्के यहाँ मिले, मतलब ट्रेड हो रहा था। जैसे यहाँ पे यूएस डॉलर मिल जाए और अमेरिका में रुपए मिल जाए तो ट्रेड हो रहा है। और सर एक पेरिप्लस नाम से जो बुक थी, पेरिप्लस ऑफ द पहले पहले पुरातात्विक बताओ या साहित्यिक बताओ। okay. पुरातात्विक में सिक्के हो गए जी सर। आयात निर्यात की वस्तुएं हो गई जैसे कि मलमल के कपड़े मिले यूनान में रोम में, ठीक है। और क्या नाम यहाँ से हम हाथीदास वो जार मिला था, डबल हैंड वाला जार जो मिला था। कई सारे ऐसे जार मिले हैं जो हमें पता चलता है इंडिया के जार नहीं है, बाहर के जार हैं।
ठीक है, कई ऐसी वस्तुएं मिली है आयत निर्यात की, जो वस्तुएं जितनी भी थी आयत निर्यात की वस्तुएं वो सब बताती है पुरातत्व में कि स्रोत होता है। इवन कुछ जहाज वगैरह तक मिले, कपड़े लगे हुए जहाज मिले हमें, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस काल में कैसे ट्रेड होता था। दूसरा सोर्स साहित्यिक है, साहित्य में एक देशी है एक विदेशी है। विदेशी में आप देखो प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी कहता है कि रोम की नैतिकता सड़कों पर आ गई, भारत में इतना पतला मलबल पहनते थे कि वह महिलाओं के अंग दिखते थे जब वो पहनती थी, तो वो कहता है रोम की नैतिकता सड़कों पर आ गई और 10 करोड़ सेस्टर्स प्रतिवर्ष जाता है, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, धन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लिनी कहता है। स्ट्रैबो से जानकारी मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से बुक से हमें जानकारी मिलती है विभिन्न बंदरगाहों वगैरह के बारे में कैसे ट्रेड होता है। दूसरी बात पर साहित्य का जो दूसरा भाग है कि हिंदुस्तानी साहित्यिक सोर्स है उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। हेलो, हाँ सर, संगम साहित्य में ये भी पता चलता है कि ऐसा बात बोलते हैं कि दक्षिण भारत की जो भूमि जो थी वो बहुत उपजाऊ थी, और उसके बारे में जो कावेरी डेल्टा है उसके बारे में कहावत है कि जितनी भूमि पर एक हाथी बैठता है या घेरता है उसमें 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है। बताइए कितना बढ़िया सोर्स है एग्रीकल्चर का, ये कैसी अर्थव्यवस्था पर कितनी फर्टाइल लैंड होगा, हो सकता है हाथी को एक यूनिट के रूप में भी लेते हो, इससे ये भी पता चलता है स्टेटमेंट से। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लेके आया आप, ऐसे स्टेटमेंट कुछ याद रखिए लिखने, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, अच्छे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में, तो कृषि के बारे में आप बता दीजिए, समुद्री क्षेत्र का ऐसे नेटल वगैरह की जो भूमि होती थी वो काफी फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती है, और पीछे से इनने जो सोर्स बताया कि एक हाथी जहाँ बैठता है 7 लोगों के बराबर जो है खाने को मिल जाता है, तो कितना फर्टाइल लैंड होगा। उसके बाद व्यापार वाणिज्य के बारे में तो हमने आपको काफी चीजें बता दी, वो आप लिख लीजिएगा। आयात निर्यात की मत बता दिए, रास्ते बता दिए। इसमें क्रांतिकारी कदम क्या हुआ कि हिप्पोलस ने मानसून की खोज की, तो हिप्पोलस मानसून की खोज की तो समुद्री यातायात और ज्यादा बढ़ेगा। हिप्पोलस के मानसून की खोज के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भारत के पक्ष में दिखता है, क्योंकि प्लिनी भी नेचुरल हिस्ट्री में कहता है कि भारत की समस्त मुद्राएं कहाँ है, वहां पे जा रही है, ठीक, भारत में जा रही है यूनान की समस्त मुद्राएं, ठीक है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था भी हो गई, समाज भी हो गई, राजनीति भी हो गई, धर्म संस्कृति भी हो गई, संगम आपका खत्म हो गया। अब दक्षिण भारत में जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर महापाषाण काल, बड़े बड़े पत्थर से संगम एज में आए। अब इसके बाद दक्षिण भारत में क्या आएगा, पल्लव काल, तो हम पल्लव को पढ़ेंगे जब गुप्तों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया हमारा सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज हो गया और सब चीजों के बारे में हमने कैसी जानकारी ले ली, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि हम आपको अभी एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का, 25 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सब लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से, हाँ। अभी आपको क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे, इस पे ऐप पे ही हम दे देंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। आपको क्या करना है कि उन 25 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है, उन 25 क्वेश्चन के आंसर जो हिंदी में देगा वो सोनू कुशवाहा को देगा, और जो इंग्लिश में देगा वो प्रतीक्षा गौर को देगा, ठीक है। यस सर, क्लियर है। जो उसके आंसर हिंदी में देगा वो सोनू कुशवाहा जी को करेगा, और जो इंग्लिश में करेगा प्रतीक्षा गौर को उनके आंसर भेजेगा। आपको सिर्फ आंसर आंसर लिखना है, आपके पास पेपर आ गया, जैसे नंबर एक क्वेश्चन आ गया उसका आंसर आपको लिखना है पॉइंट डाल के, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर आपको इन लोगों को सेंड करना है, हिंदी वाले सोनू को, इंग्लिश वाले प्रतीक्षा को, और सोनू और प्रतीक्षा आप दोनों अपने आंसर हमें सेंड करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। सोनू कहाँ पे है, सोनू कुशवाहा जी सर, ठीक है, समझ गए। आप दोनों अपने आंसर लिख के हमें देंगे,
और सोनू आप हिंदी के सारे कलेक्ट करेंगे, हम आपको आंसर की देंगे और आप हमें जो है आंसर की के बाद एक लिस्ट बना के देंगे और प्रतीक्षा आप हमें लिस्ट बना के देंगी कि किसके कितने मार्क्स आए हैं सही और गलत, ठीक है? फिर उसे ऐसे हल करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। हाँ बोलिए सर। ये क्वेश्चन ओएमआर में होगा या सर थ्योरेटिकल? ओएमआर में नहीं, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अभी एक पेपर आएगा आपके पास, उस पेपर में आपको कुछ नहीं करना है, उसका आंसर 1, 2, 3, 4 और उसके आगे से आंसर लिख देना है आपको, ठीक है? ठीक है, ओके सर। ओके, अभी अभी आपको मिलेगा, 9:20 पे हम जमा करेंगे, फिर उसके बाद आगे की क्लास होगी, आगे की क्लास भी होगी, आज मौजूद उत्तर खत्म होगा, ठीक है? जी सर, ठीक है। हमें लगता है इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है ना जाना, इस क्लास में तो गूगल पे जा सकता है कोई असाइनमेंट वगैरह? जा सकता है यस सर। कैसे जाता है? डायरेक्टली ग्रुप पे भेज देते हैं जो आपका असाइनमेंट। ठीक है, हम ग्रुप पे भेज देते हैं, ग्रुप में आप हम आपको क्वेश्चन भेजते हैं, आप उसका आंसर ईमानदारी से लिखते हुए सेंड करें, 9:20 पे कक्षा फिर रिज्यूम होगी, ठीक है? 9:20 यस यस। ठीक है, अभी हम भेजते हैं। सोनू जी, अरे भैया लेफ्ट हो गए वो सोनू भाई साहब। हाँ भैया, मेरे साथ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इस टाइम ड्यूटी पर हूँ, ना तो मेरे पास में पेन है, ना मेरे पास में पेन तो है लेकिन मेरे पास में कॉपी या कुछ नहीं है। अरे मैं सिर्फ क्लास सुन रहा था। हाँ अरे भैया, मेरे को भी बहुत तेज फीवर आ रहा है इस टाइम पे, मुझे खुद मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी क्लास तो अटेंड कर ही रहा था मैं, देखता हूँ क्या होता है। हम लोग भी बैठे हैं और ड्यूटी पर हैं, तो ड्यूटी पर हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, फिर अटेम्प्ट कर लेना आप उसे। ठीक है, बोल देना अगर मैं या तो क्लास में अगर ज्वाइन कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो आप एक बार बोल देना। ठीक, ओके।
this